किस तरह से आज जो यहाँ पे गौशाला में आप लोग आए, किस तरह से ये चीज़ें देखी गई और क्या था ये रीज़न? हमारे दादरा नगर हवेली में प्रशासन भूल भाई पटेल का 5 साल अच्छी तरह से अच्छा सेवा करके 5 साल पूरा हो गया। उस लक्ष्य में हम लोग ने सोचा नगर पालिका सब मिलकर ये गौशाला के अंदर कुछ घास चारा आज खिलाएंगे, ऐसा करके आए और दौरा किया पूरा अच्छी तरह से। हम लोग ने देखा कि भाई अच्छा लोग सेवा कर रहे हैं, गौशाला के जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से उसको खाना वाना खिलाते, एक डॉक्टर भी रखा है जो सब गाय की सेवा करती है। मतलब कुल मिला के जो गाय अगर कुछ बीमार वगैरह भी हो रही तो उसकी भी देखभाल कुल मिला के अच्छा हो रहा है। अजय भाई, जो अगर मैं इस ऐसे अवसर पर मैं चाहूँगा कि जो दादरा नगर हवेली की सड़क की जो हालत है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं हर जगह पर अपने प्लेटफॉर्म पर बता रहे हैं कि जो सड़क की हालत है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है और बड़ा ही खस्ता हाल है। काफ़ी खबरें भी बन चुकी है इस पर, लेकिन क्या कुछ सामने नहीं आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसमें कोई दो राय नहीं, अभी रोड खराब है नो डाउट, मगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई छिक्के की दो तरफ आती है, एक नेगेटिव तरफ आती है एक अच्छी तरफ से आती है। जी, तो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि भाई ये क्यों खराब हो गया, मगर मैं आपको खातरी देता हूँ नगर पालिका के अंदर मैं जानता हूँ कि पूरा हमारा दादरा नगर हवेली का रोड भी अच्छी तरह से उसका टेंडर हो चुका है, सिलवासा स्मार्ट सिटी में आ चुका है और उसके ऊपर टेंडर का काम हो चुका है। पूरा सिलवासा का रोड अच्छी तरह से नयाकरण हो जाएगा, गटर लाइन अच्छा हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट अच्छी तरह से डालेंगे हम लोग, और उसमें कोई वो दो राय नहीं है कि कामकाज के अंदर कुछ गफला हो। हम लोग ने खुद चेक करते हैं, हम लोग में भी कंस्ट्रक्शन के लाइन में जानकार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कुछ गलत हो सके। अच्छी तरह से रोड बनेगा वो मेरी गारंटी है। बोलने वाला बोलते हैं कि ये है वो, मगर एक बात सोचती जैसी बात है कि भाई गवर्नमेंट अपनी है, पैसा हम लोग टैक्स भरते हैं जी, बराबर है, तो टैक्स भरने का मतलब क्या है? टैक्स ऐसे ही खत्म करने का जी। हमको मालूम है कि भाई एक महीने के बाद रोड बनने वाला ही है, तो उसको बार बार अभी बारिश के टाइम डामर रोड नहीं बनता है, तो हम लोग अच्छी तरह से उसको डेली बेसिस पे हम लोग काम कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, मरम्मत कर, जब तक मतलब ये बारिश खत्म हो जाएगा तब तक हमारा काम वापस डामर रोड बनना चालू हो जाएगा। बारिश में डामर रोड नहीं बनता है वो सबको मालूम है, इसलिए हम लोग रिपेयर करके चला रहे हैं जी। रंजीत जी, आज जो यहाँ पर गौशाला में आप आई हुई हैं और पूरी टीम के साथ आप लोग सभी आए, तो कैसा दौरा के दौरान क्या चीज़ें देखी गई? हम लोग ने, मैं पहली बार ये गौशाला में आई हूँ और आके मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि रोड पे एक्सीडेंट हुए हुए जानवर जो बहुत ही दयनीय कंडीशन में पड़े रहते हैं, उन्हें यहाँ के जो लोग सेवा कर रहे हैं वो उठाकर लेकर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर्स ऑन वन कॉल यहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी एक सेवा की ही बात होती है जी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम हमारी तरफ से जितना भी हो पाए, जितना भी बन पाए, हमारे SMC की तरफ से यहाँ के लोगों ने हमारे उपाध्यक्ष को बताया कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो भी अपने लेवल पे, हम सब अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।